गुड मॉर्निंग, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप सब लोग? और अभी सुबह सुबह बस मैं अपना काम कर रही हूँ, मैंने दोनों कमरे संभाल दिए, झाड़ू लगा रही हूँ और किचन अभी नहीं किया है, किचन जाके अभी संभालूंगी क्योंकि उसमें ना सब्जी लेके आई थी नीचे से, मैं सब्जियाँ रखी है थैली थैली हो रही है, वो भी रखने हैं धोके। मैंने सोचा पहले मैं झाड़ू लगा दूँ और वो तो फिर भी एक साइड में है, उसे बाद में कर दूँगी क्योंकि सुबह सुबह एक बार झाड़ू लगाते हैं ना तो फिर ये भी नहीं रहता कि कोई भी आए दिन में, और कोई आ जाता ना तो अच्छा नहीं लगता, फिर सुबह सुबह ये लगता है कि अभी तक झाड़ू भी नहीं निकली। तो सबसे पहले मैं झाड़ू का ही काम करती हूँ और ख़ुद भी अच्छा नहीं लगता, अपने आप में भी लगता है जब तक सफाई नहीं हो जाती ना तो तब तक मन नहीं लगता, तब तक यही रहता है कि जल्दी से झाड़ू लगा लो, सफाई कर लो, और दिन की शुरुआत करते करते ना बस वो ही हो जाता है। और पता है झाड़ू मैं इतनी जल्दी भी नहीं लगाती, जब गुड़िया स्कूल जाती है ना तो सबसे पहले उसे छोड़ना होता स्कूल, क्योंकि इतनी जल्दबाजी होती है सुबह के टाइम कि झाड़ू में तो ध्यान ही नहीं जाता, बस ये रहता उठ के हाथ मुँह धो जल्दी से और उसके नाश्ते में लग जाओ, नाश्ता बनाना, लंच बनाना। जब तक बच्चे घर से चले नहीं जाते ना तब तक सफाई भी नहीं होती अच्छे से, क्योंकि झाड़ू लगाने का तो फ़ायदा नहीं है क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो फिर से दोबारा फैला देते हैं, कहीं से कुछ उठाना, कहीं से कुछ लेना, कपड़े जो निकाल के जाते हैं वो फैला देते हैं। तो मेरी पहले से यही आदत है दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ के और उसके बाद में झाड़ू लगाती थी। और ये गया गुड़िया को स्कूल छोड़ने, गुड़िया तो चली गई स्कूल, मैंने सोचा इसके जाने के बाद ही झाड़ू लगाऊंगी क्योंकि काम हो ही नहीं पाता, जब बच्चे चले जाते हैं ना उसके बाद ही काम अच्छे से हो पाता है। और बस मैंने चाय बनाई थी, थोड़ी चाय पी क्योंकि सुबह जल्दी उठ के ना एकदम खाली पेट चाय नहीं पीती मैं, वैसे दवाई भी चल रही है मेरी, पहले दवाई लेती हूँ उसके आधे पौने घंटे बाद चाय पीती हूँ। तो मैंने बच्चों की चाय पहले बना दी थी, बच्चों की क्या बस इनकी बना दी थी, गुड़िया के लिए तो दूध बना दिया था, एक पराठा दे दिया था, वो लेके मतलब खा के चली गई, और लंच में उसका पैक कर दिया था आज मैंने पास्ता, तो क्योंकि रात को ही गुड़िया बोल के सोई थी मम्मी मुझे सुबह पास्ता ले जाना है, तो मैंने उसे कहा ठीक है मैं तेरा पास्ता ही बना दूंगी, और वैसे भी दो तीन दिन पहले तो बनाया था पर बच्चे जिद कर लेते हैं ना कि स्कूल में ये चीज़ खानी है, तो मैंने इसलिए चलो सोचा कि बना दूं, तो वो पास्ता लेके गई है और पास्ता भी मैंने ज़्यादा बना दिया तो वो रखा है, हम भी उसे ही मतलब नाश्ता कर लेंगे। तो बस झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ डस्टिंग करने, क्योंकि आजकल ना बहुत ज़्यादा रेत मिट्टी हो रही है, सामान पे इतना रेत मिट्टी जमती है, पता नहीं कहाँ से इतनी धूल आती है, इन दिनों में ना होता ही है, बहुत ज़्यादा सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। और इससे पहले भी वैसे तो दो दिन में रोज़ भी नहीं कर पाते, तो एक दो दिन में कर लेते हैं, और अब क्या होगा कि अब तो रोज़ ही करना पड़ेगा वरना फिर से वही हाल हो जाएगा। और सर्दियों में होता कि एक आध दिन छूट भी जाता ना तो कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं लगती, और गर्मी के दिनों में होता है क्योंकि आंधी तूफान चलते हैं ना तो वो हमारा घर खुला सा है एकदम, तो इस पे जल्दी सामान पे इतना रेत मिट्टी जम जाता है, ऐसे लगता है कि पता नहीं कितने ज़माने से साफ नहीं किया हो। तो बस मैंने इसे साफ़ कर दिया, और ये फिश पॉट में मैं देख रही थी कहीं फिश इसमें ना ऐसी लग रही थी हिल नहीं रही थी, मैंने सोचा ये मर तो नहीं गई है, वो देख रही थी मैं, तो मैंने इसमें दाना डाल दिया तो वो ऊपर भाग के आ रही है दाना खाने के लिए, मैंने देखा हाँ ये तो ठीक है, बस ऐसे ही इसमें छिपी पड़ी थी, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया क्योंकि इसे प्रिंस करता है एक्वेरियम साहब, मैं तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, बच्चे कर लेते हैं। और आज मैंने बेडशीट भी ठीक नहीं की, मैंने सोचा ये साफ़ करना था ना, डस्टिंग करनी थी, तो फिर मैंने सोचा मैं इस पर उतरूँगी चढ़ूँगी तो फिर से इसकी बेडशीट इकट्ठी हो जाएगी, तो मैंने सोचा बाद में ही करूँगी। और ये बोतल निकली हुई थी इसे भी भर के रख दूँ, क्योंकि तीन चार ही बोतल मेरे पास है, अभी लेके भी नहीं आई मैं, तो ये ना साथ के साथ भर के रख देती हूँ तो सही रहता है, फिर कोई ना कोई फिर निकाल देते हैं, मुझे ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ज़्यादातर मैं ही भरती हूँ। और बस ये सब्जी लेके आए थे तो ये सब्जी उठा के रखूँगी, इनको भी धोना है, और पास्ता बनाया था तो वो बच गया, वो मैंने कटोरी में डाल के रख दिया। और सब्जियाँ ना आज मैं पार्क से आते हुए गली में से लेके आई थी, क्योंकि नीचे खड़े थे भैया मुझे दिख गए और सब्जी कोई थी भी नहीं आज घर में, तो मैंने सोचा नीचे से ही लेते चलूँ, आज कुछ सब्जी है भी नहीं, तो दो तीन सब्जियाँ मैं लेके आई हूँ।
तो बस ये छलनी मैंने धो ली और पन्नी के साथ ही मैंने इनको रख दिया, क्योंकि अभी पहले ये संभाल लूँ, काम कर लूँ, बर्तन भी बहुत सारे हैं वो भी धोने हैं, तो उसके बाद जब सिंक खाली हो जाएगा ना तो फिर मैं सब्जियाँ धो के रखूँगी। और प्याज भी मैंने यहीं से ले ली, 2 किलो प्याज भी मेरी ख़त्म हो गई। मैंने 5 किलो प्याज पहले ली थी, पता नहीं 2 महीने चली मेरी या 1.5 महीने, ध्यान नहीं है। हाँ, पर यह है कि लेने के बाद ना इकट्ठी टेंशन ख़त्म हो जाती है, अच्छी चल जाती है 4-5 किलो प्याज मेरी। और बीच में माँ और गांव से आ जाते हैं ना तो ज़्यादा यूज होती है, फिर सैलेड में भी काम आती है और सब्जी वगैरह में भी डाल लेते हैं ज़्यादा। तो बस उसके बाद मैं पोछा लगाने के लिए आई हूँ, पोछा लगाऊंगी। और पता है धीरे धीरे टाइम 1:30 बजने वाला था, आज मेरा काम भी इतना लेट हो गया, क्योंकि काम में लग जाते हैं ना कुछ संभालते रहो करते रहो तो पता ही नहीं चलता कब टाइम निकल जाता है। तो बस मैं फटाफट से पोछा भी लगा लेती हूँ। बस अभी पोछा लगा के आई हूँ, काम मेरा पूरा कंप्लीट हो गया और अभी बनाऊंगी कुछ खाने के लिए, क्योंकि गुड्डू मांग रहा है कुछ बना दो मम्मी खाने के लिए। सुबह बस नाश्ता करा दिया था सैंडविच से, उसके बाद मैं काम में लग गई थी, पूरा काम अपना कंप्लीट किया। अभी पता है टाइम कितना हो रहा है, 1:30 बजे मेरा काम पूरा कंप्लीट हुआ है। और ना सुबह गुड़िया को स्कूल भेज के बस अपने काम में लग गई थी मैं, उसके बाद पार्क चली गई थी सुबह पहले। पार्क जाने के बाद अपना काम कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने फिर नाश्ता वास्ता बनाया था, मतलब 11 बज गए होंगे। तो बस अब दोपहर में लंच बनाना है, क्या बनाना है वो देखती हूँ। सब्जियाँ तो काफ़ी सारी लेके आई हूँ मैं, आज मैंने नीचे से ही ले ली थी क्योंकि नीचे गली में आए थे ना, तो मैं पार्क से आते हुए लेती हुई आई थी सब्जी। और सोफे पे कपड़े पड़े हैं जो फोल्ड करके रखने हैं, ये भी काम रहता है, काम तो पूरा दिन ख़त्म ही नहीं होता कितना भी काम कर लो। और पता कपड़े कल भी धुले थे, वो अभी तक तार पे पड़े हैं, और तार पे बाहर ना बालकनी में धूप आ गई है अच्छे से, बिल्कुल तेज वाली धूप आ रही है ना, कल से तेज वाली धूप हो रही है। कल वैसे मौसम अच्छा था पर आज फिर से और तेज धूप होने के बाद ना तो गर्मी इतनी लग रही थी, सुबह पार्क गए ना तो इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी, तो फिर से मौसम ऐसा ही हो गया। और हाँ, जो बात बता रही थी वो तो रह गई, कपड़े उतारने पड़ेंगे क्योंकि कपड़ों पे ना धूप आ जाती है, तो गर्मी के मौसम में ना सूखे सूखे से हो जाते हैं कपड़े, रूखे रूखे से, तो इसलिए फिर मैं ज्यादा देर धूप में छोड़ती नहीं हूँ कपड़े। और ये वाला पंखा भी ना किसी दिन खोल के साफ करना पड़ेगा, ये मुझसे नहीं होगा, ये गुड्डू ही करेगा, क्योंकि ना इसे ना खोलना पड़ता है और अंदर से ना इसकी पंखड़ी पे पूरा इतना डस्ट जम गया जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और छत वाले पंखे तो ये साफ कर देते हैं मेरे साथ, मतलब मैं काम जब भी करती हूँ ना, जाले वाले झाड़ती हूँ तो ज़्यादातर यही कर देते हैं। कई बार होता है कि मैं कर देती हूँ, जैसे ऑफिस जाते हैं तो जिस दिन ऑफिस नहीं जाते छुट्टी होती है तो कभी कभार कर देते हैं। और आजकल ना धूल मट्टी भी ज़्यादा ही हो रही है, सामान पे भी इतनी इतनी ज़्यादा जम रही है, बस पूछो मत, रोज साफ करते रहते हैं। आज तो मैंने थोड़ी सी डस्टिंग दिखाई भी आप लोगों को, वरना काफ़ी टाइम से मैं दिखा भी नहीं रही थी, मैंने सोचा आज कर रही हूँ तो चलो दिखा देती हूँ। खुद बना लेगी तो ज़्यादा अच्छा गुड़िया, मेरा भी काम कम होगा, मैं बस पराठे बना लूंगी। खाली प्याज इसका बनाएगी खीरे का, या प्याज भी काटू? प्याज काटू, ये तो रख लिया। इस तरफ रोटी बना दूंगी, किस वाले पे बना ले, आजा। बना रही हूँ दही के साथ, खा लिया पराठे और इलायची वाली चाय पीनी है। देखिए चाय चाय हो रहा है दोनों का, गुड़िया भी ऐसी बात कर रही है। अरे दही जमा रखी इतनी सारी वो खा ले, इलायची की चाय तो मैंने वैसे भी सही लगा, तो मैंने अदरक की अच्छी लगा। अदरक की आपके सूट पहनने करते फिर ना, एक तो पी लूंगा।
मैं तो इलायची की पीऊंगा। कितनी सब्जी, चारों की बनाओगे? ना हम तो दही खा लेंगे। ठीक है, तो तुम अपनी बना लो दोनों। तेरी मैं दही भी खाऊंगा फिर। तो वही तो कह रही हूँ, दही पराठे खा ले। ओ क्या हुआ? लोग चल रहा था। कोई बात नहीं, क्या होता है। चेड़ी मत हिल जाओ। और मैंने दही भी जमा रखी है, पर बच्चे तो खाएंगे नहीं, इनको दही चाहिए, क्योंकि ये तो दही लस्सी सब चीज़ें पसंद करते हैं। गांव में भी पहले ये सब चीज़ें होती थी ना, तो जगह कोई भी हो आदत नहीं बदलती, तो इनको तो वही सब चीज़ों की आदत है। और रायता पसंद करते, तो मैं रायता भी बना देती हूँ। रायता तो गुड़िया भी पी लेती है, गुड्डू कम पसंद करता है बस रायता। तो चलिए फिर, कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं क्या बोलूँ, बस वीडियो लाइक कर देना आप लोग पसंद आए तो। और फटाफट से बस मैंने पराठे भी बना दिए, बच्चों को दे दूँगी, दोपहर का काम भी मेरा कंप्लीट हो गया, तो बस उसके बाद मैं करूँगी अब आराम। दोपहर में वैसे भी दिन बड़े होते हैं ना, आराम भी कर लो, काम भी कर लो।